हर बार हमने डिजाइन को शिफ्ट कर लेना है तो हमारा ये डिजाइन बड़े इजीली बनता चला जाता है। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज ये पैटर्न लेके आई हूँ। ये एकदम इजी पैटर्न है फ्रेंड्स, इसे बिगनर लेवल के लोग भी बना सकते हैं। जिन्होंने अभी अभी क्रोशिया करना सीखा है वो भी आराम से बना लेंगे और बनाने में एकदम इजी और दिखने में बहुत खूबसूरत। अगर फ्रेंड्स आप जेंट्स स्वेटर के लिए डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट डिजाइन है। इसे आप लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और एकदम इजी बनाना। और इस तरफ से ये ऐसा दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स 2 के मल्टीपल में हमने स्टिचेस बना लेने हैं तो डिजाइन हमारा सेट हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सके। तो आइए करते हैं स्टार्ट डिजाइन बनाना। इसके लिए फ्रेंड्स एक ये बेसिक रो मैंने तैयार कर रखी है तो इसी के ऊपर हमने डिजाइन बना लेना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमने एक चेन कर लेनी है और एक रो हम सिंगल क्रोशिया से कर लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया से रो बना ली है तो नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन बना के एक स्टिच बना लेना है। अब देखिए धागे को 2 बार रैप करेंगे क्रोशिया हुक पे और यहाँ हम ये देखिए ये चेन वाला स्टिच है और एक ये स्टिच छोड़ेंगे तो ये वाला स्टिच लेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिए ये स्टिच हमने छोड़ देना है, नेक्स्ट स्टिच है इसको हमने डबल क्रोशिया से बनाना है। फिर से 2 बार धागा रैप करेंगे क्रोशिया हुक पे, यहाँ एक स्टिच छोड़ेंगे, नेक्स्ट स्टिच को इस तरह से बुन लेंगे। ये स्टिच छोड़ देंगे तो ये वाला स्टिच हम डबल क्रोशिया से बना लेंगे। ये एक स्टिच छोड़ेंगे, अगला स्टिच ले लेंगे। दो बार रैप करेंगे, ये स्टिच छोड़ के इस स्टिच को ले लेंगे। पूरी रो इसी तरह बनाते जाएंगे। ये देखिए
ये पूरी रो हम इसी तरह बनाते जाएंगे। लास्ट में आ गए हैं, तो एक स्टिच आ गया है यहाँ हमारा। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। नेक्स्ट रो फ्रेंड्स हमने सिंगल क्रोशिया से बना लेने हैं, सभी पे एक एक स्टिच बनाते जाना है, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहां दो चेन करके एक स्टिच यहां लगा लिया। अब फ्रेंड्स एक स्टिच यहां लगा लेंगे। पहले हमने एक ही स्टिच बनाया था, अब दो बना लेंगे क्योंकि डिजाइन को हमने शिफ्ट करना है। अब देखिए यहां से ये वाला स्टिच लेंगे और इसको ट्रिपल क्रोशिया से बनाएंगे। और ये जो ट्रिपल क्रोशिया बना रखा है इसको हमने डबल क्रोशिया से बना लेना है। हर बार हमने डिजाइन को शिफ्ट कर लेना है, तो हमारा ये डिजाइन बड़े इजीली बनता चला जाता है। इस पर साइडों में हमारे दो दो स्टिच आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से एक स्टिच आएगा, तो इस तरह से ये डिजाइन आगे चलता जाएगा। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है ये डिजाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।